अरे जल्दी चलिए, पंडित जी आ गए हैं। पूजा करनी थी, पूजा का समय शुरू हो गया। भाई हम तो चल ही रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पे इतनी घबराहट क्यों है? राधे राधे, ही ना पूछे हमसे आप। बुआ जी, इनकी घबराने की वजह अम्बा मौसी है। ईसा बेटी, अब तुम हमारा मजाक उड़ाने लगे, हम जा रहे हैं। हाँ रिमझिम अविनाश के साथ में पूजा में नहीं बैठेगी, उसकी जगह पर मैं बैठूंगी। आप कुछ भी कीजिए। लेकिन जजमानी, ये कैसे संभव है? ये सब मैं नहीं जानती। आप कुछ शास्त्र वास्त्र किसी का भी बहाना मार दीजिएगा। अरे आपके शास्त्रों में कुछ तो होगा। ये दक्षिणा पकड़िए एडवांस में, बाकी काम होने के बाद, समझे? अच्छा, तो दक्षिणा के जादू से नए शास्त्रों का निर्माण कर रही है। चल अम्बा, आज एक आशास्त्र तू भी लिख डाल। अरे ये क्या, पूजा में ये बैठेंगी? हाँ पंडित जी, यही हमारी बहू है, रिमझिम अविनाश की पत्नी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये इनके साथ पूजा में नहीं बैठ सकती। पंडित जी, क्यों पंडित जी, रिमझिम मेरे साथ पूजा में क्यों नहीं बैठ सकती? आप ही ने तो कहा था कि पत्नी के बगैर कोई भी पूजा यज्ञ पूरा नहीं होता। हाँ हाँ, मैंने बिल्कुल कहा था, लेकिन ये तो पत्थर है, इसे तो कुछ बोध ही नहीं है, ये क्या पूजा में बैठेगी? पंडित जी, क्षमा चाहता हूँ जजमान। परंतु पूजा भी एक विधि है, और इसमें पूरे मन से एकाग्रचित होकर बैठा जाता है। लेकिन जिसको मन की बीमारी हो, जिसे कोई बोध ही नहीं है, उसके पूजा में बैठने से पूजा अपवित्र हो जाएगी जजमान। एक मिनट पंडित जी, मैं आपकी संकट का हल निकालती हूं ना। ये शास्त्रों की बात है, तुम क्या जानोगी? अबे ओए पंडित, को बहुत बड़ा पुजारी समझता है क्या? अरे पुजारी तो मेरे पिताजी थे, पूरे 10 गांव के। उन्होंने मेरे को बताया, राम जी ने सीता मैया को त्याग दिया था। सीता मैया वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी। बहुत टाइम के बाद राम जी ने अश्वमेध यज्ञ रखा था। उस यज्ञ में सीता मैया की मूर्ति रखी गई थी राम जी के साथ। रखी गई या नहीं रखी गई थी? हाँ हाँ, रखी थी। तो जब राम जी सीता मैया की मूर्ति के साथ यज्ञ करके पत्नी धर्म निभा सकते हैं, तो अपनी रिमझिम में क्या प्रॉब्लम है? क्षमा कीजिए देवी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था सुरेश कुंडली का छह सवा अभ्यंतर सुची
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम हे बजरंगबली हमका माफ कर दियो, थोड़ी देर के लिए हम सच में भटक गए थे। तुमने आज तक कभी मुझे चैन से जीने नहीं दिया, कभी तुम्हारी पकपक और कभी तुम्हारी खामोशी। आज इतनी खामोश क्यों हो? कुछ बोलो ना, बोलो ना रिमझिम रिमझिम। बोलो ना प्लीज, कुछ बोलो। अविनाश, वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। अरे कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है? किसकी बात कर रही हो तुम? अविनाश, ये अभी मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। हाँ, इसने अभी अभी मुझे धक्का दिया है। श्वेता, लेकिन हुआ क्या है? दीदी, ये मुझे मारने की कोशिश कर रही। मैं सही कह रही हूँ, इसने अभी अभी मुझे धक्का दिया है, ये मुझे मार देना चाहती है। कौन तुम्हें मार डालेगा श्वेता? तुम रिमझिम के बारे में बात कर रही हो? क्या हो गया? ये तेरे को मारने की कोशिश कर रही है क्या? अरे तू खुद ही जिंदा लाश है, किसी को क्या मारेगी? अविनाश, मेरी बात का विश्वास करो, मैं सही कह रही हूँ, ये सब इसका नाटक है, ड्रामा कर रही है। इसे कुछ नहीं हुआ, ये अच्छी खासी है। अरे एक मिनट छुट्टा, शायद तू सही कह रही हो। हाँ। देख, अगर ये नौटंकी कर रही है ना, तो इसे तो एक मिनट रुक। अरे किस्सा ही खत्म कर दे। अरे मारू अम्मा, इसे क्या नौटंकी लगा कर रही हो तुम? खत्म करो इसे। क्या पागल बन गए? नहीं, क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ नहीं कर रही, देख तो सही से, मारने जा रही हूं मैं इसे, पलक तक नहीं झपकी। अरे क्या कर रही है रे श्वेता? अरे किसी बेचारी पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाना सही नहीं है। माफ करना मेरे, मेरा कोई हक नहीं बनता तुम लोगों के बीच में बोलने, लेकिन जब इसको देखती हूं ना मैं, इतना अन्याय हो रहा है, कुछ तो बहुत बुरा हुआ है इस लड़की के साथ, ऐसे नहीं देखा जाता। ये चीशा चल तुम्हें सब। दीदी, मैं सच कह रही हूं,
बिल्कुल ठीक है श्वेता, जा जाकर सबको बता। चीखो चिल्ला जा, लेकिन शायद इस बार तुम्हारी बात का कोई यकीन ना करे। जा श्वेता। लगा सही था ना अम्मा, हम ये सब क्या कर रहे हैं? हमें ये ठीक नहीं लग रहा। क्या बात कर रही है, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है। अरे तो अपने आप थोड़ी कुछ कर रही है, जो अम्मा कह रही है वही तो कर रही है। अरे देख, आग तो अभी लगी है, धीरे धीरे अम्मा को बस घी डालने दे, फिर देख क्या होता। टेंशन मत लेना सजवल, मजा नहीं आ रहा मेरे को, सच्ची में बड़ा मजा आ रहा है। तुम अब आगे क्या करने वाली? तो देखती जाना, अभी बोलने से क्या फायदा, पर जो मैं बोलती हूँ वो तू करेगी, सब सही होगा। हम बिल्कुल ठीक हैं श्वेता, जा जाकर सबको बता, लेकिन शायद इस बार तुम्हारी बात का कोई यकीन ना करे। नहीं रिमझिम, ये मेरी हार नहीं है, श्वेता कभी नहीं हार सकती। आज अविनाश ने मुझ पर विश्वास नहीं करके तुम पर किया है ना, बहुत जल्द अविनाश को मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं सकती। तुम्हें और भी कुछ कहना बाकी है? हाँ अविनाश, मुझे और बहुत कुछ कहना है। देखो श्वेता, अगर तुम कहना चाहती हो कि रिमझिम ने तुम्हें मारने की कोशिश की, तो प्लीज श्वेता जस्ट शट अप। शट अप? क्यों चुप हो जाऊं मैं? हाँ? इसीलिए कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सच है? देख ली मैंने तुम्हारी सच्चाई, तुम उस औरत पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो जिसे जिसे होश तक नहीं। ये सब उसका नाटक है, खेल खेल रही है वो मेरे साथ। खेल? लेकिन क्यों? ये तो वही जाने, लेकिन हाँ इतनी बात सच है, जैसी वो दिख रही है वो वैसी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। श्वेता, मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। क्या? नो कम ऑन श्वेता प्लीज, अगर तुम ऐसा सोचोगी तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? वो इसलिए क्योंकि जो भी तुम कह रही हो ना वो मैं तो क्या, कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। काली राम का फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। काली राम हाय, काली राम वाह, काली राम हाय। इसको पता क्या बोलते हैं? गोभी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अम्बा, अरे मेरे ऊपर क्यों गुस्सा आ रही है? तेरे गुस्से का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। तुम्हारा ये खेल मैं ज्यादा दिन तक चलने नहीं दूंगी, समझी? लो खेल तेरा की मेरा, खेल तू खेल रही मैं खेल रही हूँ। तू ऐसे बताओ इस घर में आई क्यों? अविनाश की जिंदगी पे कब्जा करने ना। लो जी, कुछ भी मामूली सा हिस्सा भी नहीं बन पाई, खेल खेलेगी, खेल तो ऐसे खत्म हो गया उसका। हाँ श्वेता का खेल इतनी आसानी से खत्म नहीं हो। तुम और रिमझिम चाहे जितनी ताकत लगा लो, ये बाजी तो श्वेता जीत कर रहेगी। तुम भी समझ लो और उस रिमझिम को भी समझा दे। ठीक है भाई। इसे कहते हैं आग में घी डाल। मैंने तेरा काम कर दिया। वो तो तुम्हारे चेहरे पर ही नजर आ रहा है। क्या बात करिए, मेरे चेहरे पर नजर आ रहा है? बहुत खुश लग रही हो, क्या किया तुमने? वैसे मैं खुश नहीं अभी। पता है अम्बा खुश कब होगी? जब तू उस औरत को अपने पैर के नीचे से मसल देगी ना, बस अम्बा काली हो जाएगी तब। वैसे श्वेता कहाँ है? अरे घुस गई होगी कहीं अपने कमरे में जाके, और किधर होगी। अच्छा पर सुन तो, मैंने आग में घी डाल दिया। मतलब? अरे अम्बा ने उसे इतना ज्यादा भड़काया कि अब वो अम्बा के प्लान के हिसाब से सब कुछ करेगी। मतलब क्या होगा? अरे रिमझिम तेरे को मेरी बात ही नहीं समझ आती है। देख आज वो अपने अधिकारों की बात जरूर करेगी, और आज ही फैसला हो जाएगा कि अविनाश की जिंदगी में किसके लिए ज्यादा जगह है, उसके लिए या तेरे लिए।
हमें पूरा विश्वास है अविनाश के मन में कोई दुविधा नहीं होगी।